मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विजयदशमी के अवसर पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जहां पहलवानों ने अपने दांव पेच से विरोधी पहलवान को धराशाही कर दिया। जिले के दबोह नगर में बीते 100 वर्षों से लगातार दशहरे पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता रहा है, जिसकी शुरुआत भारत के प्रसिद्ध गामा पहलवान ने की थी, जहाँ पहलवानों के दांव देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। भिंड जिले के दबोह में कुश्ती की पारंपरिक विरासत को सहेजने के लिए समाजसेवी और नगर परिषद ने आयोजन आज भी कायम रखा है। दंगल की शुरुआत छोटे पहलवानों की कुश्तियों से शुरू हुई, जिन्होंने अपने कर्तव्य दिखाते हुए सबका मन मोह लिया। वहीं इस दंगल में क्षेत्रीय पहलवानों के अलावा और अन्य कई राज्यों के भी पहलवान दंगल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अनुरुद्ध प्रताप सिंह शामिल हुए, वहीं कई जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे। दबोह में पिछले कई वर्षों से ये विजय सैन मैया के नाम से विजयदशमी के अवसर पर ये दंगल आयोजित होता है, जिसको क्रमशः जो वर्तमान नगर पालिका नवनिर्वत चौराने थे उसने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से स्वस्थ आयोजन करवाया। हम चाहेंगे कि ऐसे आयोजन होते रहें जिससे समाज में स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता और दक्षता के प्रति जागरूकता बनी रहे।